नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एग्रीकल्चर एग्जाम गुरु जी यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, फिर से हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है एमपीएससी एफओ 2020 के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे एक पहली वीडियो राइस कल्टीवेशन पे लेके आए हैं, जहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्रॉप वाइज हम लोग यहाँ पे वीडियोज लाएंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उस क्रॉप का, मैं वीडियो के माध्यम से आपके पास लेके आऊँगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, राइस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया, ऑक्यूपाइज हाउ मेनी परसेंट ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। ये राइस जो हमारे कंट्री का है वो इम्पोर्टेंट क्रॉप है और कितने परसेंट जो है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कवर्ड करता है हमारे कंट्री का। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो सी है, 23.3%। आप यहाँ पे मैसेज अपने दिमाग में एक फिट कर लीजिए, 5 सेकंड का टाइमर। आप क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपका आंसर अपने मन में रखेंगे, फिर मैं आपको टिक करूँगा तो आप उस क्वेश्चन से मिला लेंगे और मुझे कमेंट के माध्यम से ये बताएंगे कि आपने 10 में कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया था। फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोल्डन राइस इन री चीन, गोल्डन राइस जो हमारी नई क्रॉप है, नई राइस की एक टेक्निक है, तो उस कौन सा उसमें कौन सा विटामिन इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर है विटामिन ए जो है गोल्डन क्रॉप में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर गुड क्रॉप ग्रोथ फॉर राइस इज, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है गुड क्रॉप ग्रोथ के लिए, राइस के लिए। तो इसका राइट आंसर है बी, 32 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर सही माना गया है राइस ग्रोथ के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, डोपैक सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन, डोपैक सीडलिंग जो हमारा राइस सीडलिंग तैयार करने का एक टेक्निक है, ये फिलीपींस से आया था, ये टेक्निक जो फिलीपींस से हमारे कंट्री में आया है, तो फिर इसका जो कितने दिन में इसकी सीडलिंग तैयार हो जाती है। इसका राइट आंसर सी है आपका, 12 से 14 दिन में इसकी सीडलिंग तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन चलते हैं। टुंग्रो वायरस जो है वो ट्रांसमिट किस इंसेक्ट से होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है सी, ग्रीन लीफ हॉपर जो है इसके माध्यम से टुंग्रो वायरस जो है ट्रांसमिट होता है। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फॉर राइस कल्टीवेशन मोस्ट सुटेबल पीएच रेंज इन बिटवीन, जो हमारा राइस कल्टीवेशन है उसमें पीएच का कौन सा रेंज सही माना गया है। एसिडिक सॉइल हमारा राइस के लिए सही है, तो इसका राइट आंसर है सी, 5.5 to 6.5 जो है पीएच, इसके बीच में राइस क्रॉप अच्छे से ग्रोथ करता है। सेवन है, बायो फर्टिलाइजर फॉर राइस सीड, इसमें तीन बायो फर्टिलाइजर है, तो कौन सा इसमें सही है जो राइस में बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। इसका राइट आंसर है ए, एजोला बायो फर्टिलाइजर जो है राइस के लिए है। प्लांटिंग स्पेसिंग इन राइस क्रॉप, जो प्लांटिंग स्पेसिंग है राइस क्रॉप के लिए वो कितना है, तो इसमें ए इसका राइट आंसर है 20 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर इसका सही स्पेसिंग है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, नर्सरी एरिया रिक्वायर्ड इन राइस फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर क्रॉप के लिए, राइस क्रॉप के लिए कितने एरिया में हमें नर्सरी लगानी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर है 1000 मीटर स्क्वायर में हमारा नर्सरी लगाना पड़ेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है 10 नंबर, ये आपका कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें भेजेंगे, आप नीचे जाके कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या है, और मैं जिनका राइट कमेंट रहूँगा उनको पिन कर दूंगा या फिर उनको कोई नोटिफिकेशन या फिर किसी तरह से मैं उनके पास पहुँचा दूंगा कि आपका ये सही आंसर है। तो प्लीज़ आप अपना जो इसका आंसर है वो आप कमेंट के माध्यम से हमें देंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए हमारे वीडियो को, और आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे। जय जवान,
जय किसान।